हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पिनियो पेंटिंग कर रहा होता है तो उसका कलर्स ख़त्म हो जाते हैं। वो मार्केट कलर्स लेने जाता है। वहाँ उस दुकानदार के पास एक आदमी आता है जिन्हें अर्जेंट में पेंटिंग चाहिए होती है। तो पानिन उन्हें बोलता है कि वो भी एक आर्टिस्ट है, वो समय से उनकी पेंटिंग बनाकर दे देगा। तो वो इंसान उसे पैसों के बदले एक पेंटिंग बनाने को बोल देता है। तो पिनियो दिन रात एक करके वो पेंटिंग कंप्लीट करता है। यहाँ पानिन जो है एलिस का पीछा करता है क्योंकि उसे पिनियो कहाँ रहता है ये जानना होता है। वो एक जगह छुपता है लेकिन एलिस उसे देख लेती है। वो उसे उसका पीछा करते हुए पकड़ लेती है और उससे उसका पीछा करने का कारण पूछती है। तो पानिन योग को पता पूछता है। एलिस योग का पता बताने से मना करके बोलती है वो अगर घुटनों पर बैठकर भीख मांगकर भी अगर उससे पिनियो का पता पूछेगा तो वो उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। अगर उसने फिर से उसका पीछा किया तो वो योग को उससे कहीं दूर ले जाएगी। और ये बोल वो आगे जाती है लेकिन पानिन रुकता नहीं, फिर भी उसका पीछा करता है। एलिस उसे देखती है और जल्दी से भागकर एक जगह जाकर छुप जाती है। उसे जब लगता है पानिन जा चुका है वो बाहर आती है लेकिन वो जगह डरावनी होती है। वहाँ कुछ पियक्कड़ मवाले गुंडे होते हैं जो उसे बाहर जाने नहीं देते, उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर पानिन आ जाता है। वो उसे सेव करके उन गुंडों से लड़ता है। पानिन एलिस की चिंता करता है। वो बहुत सारे गुंडे होते हैं तो पानिन और एलिस वहाँ से भाग निकलते हैं, एक सेफ जगह जाकर बैठते हैं। पानिन उसकी चिंता करते हुए पूछता है वो ठीक तो है ना, उसे ऐसी खतरनाक जगह जाने की क्या ज़रूरत थी। एलिस उसका शुक्रिया करती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो पानिन बोलता है अगर तुम रिपे करना चाहती हो तो मैं सिर्फ पिनियो के बारे में जानना चाहता हूँ। तो एलिस बोलती है वो भी उसे बताना चाहती है लेकिन नहीं बता सकती क्योंकि उसने यो को प्रॉमिस किया है। यो चाहता है अपने दम पर जीकर दिखाना, प्लीज़ उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करें। तुम जितना उसे परेशान करोगे वो तुमसे उतना दूर भागता रहेगा। जब वो तुमसे मिलना चाहेगा खुद सामने आएगा। पिनियो की पेंटिंग क्लाइंट को बहुत पसंद आती है, वो उसे पैसे भी देते हैं। ये पिनियो की पहली कमाई होती है। पिनियो बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम पानिन और उसके डैड को देखते हैं जहाँ उसका डैड पानिन को कहते हैं पोखाई पर इतना ज़्यादा भरोसा ना करने को, बोलते हैं कि वो बस एक सर्वेंट का लड़का है। तभी वहाँ पोखाई आता है जो पानिन को बताता है कि उसने सीरी से लोन इंटरेस्ट का रेट 3.25% से 2.25% करवा लिया है। इस पर पानिन खुश होता है लेकिन उसके डैड को पोखाई पर विश्वास नहीं होता। बोलते हैं इतनी आसानी से वो कैसे मान गई। वो पानिन को बोलते हैं फाइल अच्छे से चेक करें, कहीं इसने कोई फेक प्राइस तो ना बताए होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम पोखाई को बार में देखते हैं जहां सीरी आती है। पोखाई और सीरी मिलकर निराफाई यानी पानिन की कंपनी को हड़पने के लिए साजिश रच रहे होते हैं। सिरी ने जो पिछले बार पोखाई को हिट करा था उसका बदला चुकाने के लिए वो उसे उसकी चोट पर किस करते हैं। नेक्स्ट डे एलिस को नॉन इटली से लेटर भेजता है, लिखता है वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और जल्दी से थाईलैंड वापस आएगा, वो उसे मिस करता है। एलिस लिन को उसके बदले नॉन को लेटर का रिप्लाई देने को बोलती है क्योंकि एलिस पेंटिंग बनाने में बिजी होती है। लिन नॉन को उसके लेटर का रिप्लाई देती है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि लिन नॉन को पसंद करती है। नॉन जो भी लेटर भेजता उसका रिप्लाई लिन करती है। अब एक महीने बीत गया होता है। एलिस और पिनियो ड्राइंग बनाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाने का कोशिश कर रहे होते हैं। लिन, एलिस और पिनियो एक बार साथ में मार्केट आए होते हैं। एलिस घूमते घूमते एक चढ़ाई वाले पुल के ऊपर से चढ़ रही होती है लेकिन अचानक से उसका पेट दर्द करने लगता है। ऊपर से एक आदमी की साइकिल अनबैलेंस होती है तो एलिस स्टेयर पर गिर जाती है, उसका पेट दर्द बढ़ जाता है। वहाँ लिन और यो भी आते हैं। एलिस की ब्लीडिंग हो रही होती है तो वो दोनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करने के बाद लिन डॉक्टर से पूछती है एलिस को हेल्थ के बारे में, तो डॉक्टर बताती है कि एलिस 8 वीक्स प्रेग्नेंट है। ये सुन एलिस के साथ साथ लिन भी शॉक होते हैं। डॉक्टर एलिस को बताती है कि उसे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा नहीं तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत है। जब तक बेबी 3 महीने का स्ट्रांग नहीं होता उसे कंप्लीट रेस्ट करना होगा और वक्त पर मेडिसिन लेनी होगी। डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ पिनियो आता है जो दरवाजे पर से ही उन दोनों की बातें सुनता है। जहाँ लिन शॉक में एलिस से उसके बच्चे के फादर के बारे में पूछ रही होती है, ये कैसे हुआ पूछती है। यो भी शॉक हो जाता है। एलिस रोते हुए गुस्से में बोलती है उसके बच्चे का बॉप उसके लिए ऑलरेडी मर चुका है, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लिन एलिस को उसके साथ रहने को बोलती है ताकि वो उसका देखभाल कर सके लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि लिन एक टीचर है, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। यो बाहर रहकर सब सुन रहा होता है। वो अपना मन बना लेता है, एलिस के पास जाकर बोलता है
एलिस और उसके बच्चे का ख्याल वो रखेगा, एलिस उसके साथ रहेगी, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम उनको पिनियो के घर देखते हैं। पिनियो उसे उसके रूम में रहने को बोलता है। पिनियो एलिस के लिए खाना बनाता है। लिन और यो एलिस के बच्चे के फादर कौन है ये जानना चाहते हैं, लेकिन एलिस नहीं बताना चाहती तो यो भी उसे फोर्स नहीं करना चाहता। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसके भाई का है? क्या करेगा वो? कैसे एक्सेप्ट करेगा इन सब के बारे में? पिनियो एलिस के लिए खाना लाता है। वो रो रही होती है। पिनियो उसे सपोर्ट करता है, बोलता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर वो उसे कुछ नहीं बताना चाहती तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। एलिस बोलती है उस इंसान की उसके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। यो एलिस की खुशी में वो उसके साथ है बस इतने में ही खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सिरी के पास पोकाई को देते हैं। उसने 1% लोन इंटरेस्ट कम करने के बदले 15% शेयर अपने नाम किए होते हैं सिरी ने। पानी यो को याद करता है। नेक्स्ट डे वो एलिस के घर जाता है जहाँ उसे एलिस तो नहीं मिलती। उसे एक आंट से पता चलता है एलिस कहीं और रहने चली गई। तभी वहाँ लिन आती है नॉन का लेटर रिसीव करने। नॉन सिर्फ एलिस के लिए लेटर लिखता है, लिन के लिए नहीं। ये देख लिन को नॉन पर गुस्सा आता है। पानिन उनकी बातें सुन रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है एलिस लिन के साथ नहीं बल्कि कहीं और रह रही है। पानिन लिन का पीछा करने लगता है। लिन थोड़ी दूर आने पर पानिन को उसका पीछा करते हुए देख लेती है और जल्दी से भाग जाकर छुप जाती है। अब हॉस्पिटल में एलिस और यो डॉक्टर के पास एलिस का चेकअप करवाने आते हैं। एलिस का बेबी अब 3 महीने का हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बेबी सेफ है, अब सब ठीक है। एलिस और यो खुश होते हैं। वो दोनों साथ में मार्केट जाते हैं। एलिस सब्जियां खरीद रही होती है। एलिस को चक्कर उल्टियाँ आने जैसा फील होने लगता है। वहाँ की औरतें उसे नोटिस करती है। एलिस उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो औरतें उसे बच्चे का फादर के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन एलिस चुप रहती है तो वो समझ जाती है कि ये कुंवारी माँ बनी है। तो वो औरतें एलिस को बहुत कुछ सुनाने लगती है। एलिस बोलती है उसके बच्चे का बाप नहीं तो क्या हुआ, वो उसके बच्चे को अकेले पालेगी। तभी वहाँ सही टाइम पर पिनियो आ जाता है जो बात को संभालने के लिए सबके सामने एलिस को उसकी वाइफ बताता है। वो उन औरतों को बोलता है कि उसका और उसकी वाइफ का छोटा सा झगड़ा हुआ। वो नाराज थी इसलिए वो उसे सताने के लिए ऐसे बोल रही है कि उसका हस्बैंड नहीं है। वो औरतें उनकी बातों पर विश्वास कर लेती है। घर जाने पर एलिस पिनियो को बोलती है उसे उसके लिए ये सब करने नहीं चाहिए। तो पिनियो बोलता है ये ज़रूरी है, वो नहीं चाहता कि दुनिया उसे गलत समझे जबकि वो एक अच्छी इंसान है। एलिस बोलती है लेकिन ये सच है, वो अकेले सिंगल मदर बन के ही अपने बच्चे को बड़ा करेगी। तो यो सीरियस होकर एलिस को शादी के लिए पूछता है, बोलता है वो अभी नहीं चाहती, वो बस उनकी शादी रजिस्टर करवाएंगे लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें एक साथ रहने की ज़रूरत नहीं। उसे अभी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे, लेकिन जब आगे बच्चा स्कूल जानेगा तो उसे पिता के नाम ज़रूर चाहिए होगा। पिनियो अब भी एलिस से प्यार करता है, वो उसकी खुशी के लिए ये सब करना चाहता है। एलिस सोच में पड़ जाती है। यो मार्केट आया होता है, उसे पानिन देख लेता है, वो उसका पीछा करता है। यो जिस साइकिल रिक्शा से जा रहा होता है उस ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाती है तो वो बीच रास्ते में उतरकर चलकर जाने लगता है। पानिन उसके पीछे छुपते हुए जाने लगता है। एलिस आम के पेड़ पर से करिया तोड़ रही होती है तो उसे चलते चलते अचानक से चक्कर आने लगते हैं। वो गलती से पानी में गिर जाते हैं जिसके गिरने की आवाज़ यो और पानिन दोनों सुनते हैं। वो दोनों दौड़कर उस जगह जाने लगते हैं। यो एलिस को बचा लेता है, पानिन भी वहां आता है। दोनों एलिस को उठाकर घर पर लाते हैं। एलिस उठ नहीं रही होती। यो पानिन को एलिस की मेडिसिन लाने बोलता है। पानिन जब उन मेडिसिन को देखता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम वाली दवाइयाँ होती है। एलिस को होश आता है, वो उठते ही बेबी के बारे में पूछते हैं जो सुन पानिन शॉक होता है। यो बोलता है बेबी सेफ है। एलिस पानिन को नोटिस नहीं करती, वो पिनियो को बताती है कि बेबी मूव कर रहा है और ये बोल वो उसके हाथ से उसे महसूस करवाती है। यो भी खुश होता है और वो एक्साइटेड हो जाता है और वो पानिन को भी बताने लगता है। एलिस पानिन को देख शॉक होती है, उसका मुँह उतर जाता है उसे देख कर। पानिन उन दोनों को साथ में देख बेबी की न्यूज़ सुन हर्ट होता है। उसे लगता है कि ये बच्चा पिनियो का है, लेकिन वो पिनियो के सामने झूठी स्माइल दिखाता है। जाते समय पानिन यो को बोलता है उसकी अब फैमिली बन गई है, उसे निराफाई में वापस आ जाना चाहिए, लेकिन यो जाने से साफ साफ मना कर देता है। यो उसे नहीं बताता कि एलिस का बच्चा उसका नहीं है। बोलता है जब से एलिस प्रेग्नेंट हुई है वो उसका ख्याल रख रहा है, वो उनका ख्याल खुद रखेगा। पानिन भारी मन करके पिनियो को एलिस और उसके बच्चे का नेफ्यू का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिरी पानिन के डैड को उसकी और पानिन के एंगेजमेंट करवाने की बात कर रही होती है जिसके लिए वो भी मान जाते हैं।
पानिन के डैड पानिन को सिरी से एंगेजमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं ताकि शादी के बाद सिरी को जो उन्होंने 15% शेयर्स दिए हैं लोन के बदले वो वापस पा सके। पानिन टेंशन में आ जाता है। पानिन एलिस को देखने आता है। वो देखता है कि एलिस झुककर बाल्टियों से पानी तालाब का पानी भर रही होती है। वो एलिस के पास जाकर उसके हाथों से बाल्टी लेकर खुद पानी मटके में डालता है। एलिस उसे देख शॉक हो जाती है, उस पर चिल्लाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो पानिन उसे गुस्से से बोलता है, अगर वो इतना भारी काम करेगी तो अगर बच्चे को कुछ हुआ तो यो दुखी हो जाएगा। एलिस बोलती है, वो उसे नफरत करती है, वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती, वो उसके पैलेस वापस चला जाए। अगर पिनियो आ गया और उसने उसकी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। पानिन वहाँ से चला जाता है। पिनियो मार्केट में बच्चे के लिए कपड़े खरीदता है, लड़का और लड़की दोनों के हिसाब से। वो एलिस को ये सब दिखाता है, वो बहुत खुश होता है। पिनियो एलिस से पूछता है कि क्या वो होने वाले बच्चों का नाम रख सकता है, तो एलिस जिसके लिए खुशी खुशी मान जाती है। पिनियो नाम रखता है, अगर लड़की हुई तो अपिन्या और लड़का हुआ तो पिनियत। उन दोनों को साथ में हंसता मुस्कुराता पानिन देखता है। पानिन खुश होता है कि उसका भाई उसकी लाइफ में खुश है और उस इंसान के साथ है जिससे वो प्यार करता है। लेकिन उसी टाइम वो सैड भी होता है क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो अब उससे बहुत दूर जा चुका है। वो एलिस के साथ बिताए पलों को याद करता है। अगर पानिन एलिस के साथ रिवेंज लेने के लिए वो सब नहीं करता तो शायद आज पिनियो और एलिस एक साथ नहीं होते। वो सोचता है वो जिससे प्यार करता था वो अब उनकी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। वो घर जाकर उसके डैड का बताता है कि वो सिरी और उसके डैड से मिलना चाहता है लोन एग्रीमेंट के लिए थैंक्स करने के लिए। वो सिरी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए मान गया होता है। अब रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। पानिन और सिरी एक दूसरे को जानने के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं। पानिन को ना चाहते हुए भी सिरी को डेट करना पड़ रहा होता है। पानिन और सिरी को एक साथ देखकर पोखाई जेलस और गुस्सा होता है। उसकी माँ आकर पोखाई को बोलती है कि पानिन ने सिरी से साथ एंगेजमेंट करने का डिसाइड किया है, अब उसे सिरी का ख्याल छोड़ देना चाहिए क्योंकि सिरी के स्टेटस के हिसाब से वो उसे कभी भी नहीं पा सकता। तो पोखाई बोलता है, उसे जो चाहिए वो किसी भी कीमत पर पाकर रहता है, चाहे वो उससे कितना ही दूर क्यों ना हो। सिरी वॉशरूम जाती है, उसे बाहर पोखाई रोकता है। सिरी बोलती है, अगर पोखाई चाहते हैं कि उसकी एंगेजमेंट ना हो तो उससे पहले उसे उसका काम यानी निराफाई के सबसे ज़्यादा शेयर्स उसे दिलवाने होंगे। पोखाई बोलता है, अगर वो निराफाई के वारिस के साथ शादी करना चाहती है तो वो इंसान वो रहेगा। लिन नॉन के लिए स्वेटर बुनती है और वो उसे नॉन को भेजती है। नॉन वो स्वेटर खुशी से पहनता है। वो इसे लेटर में रिस के बारे में लिखती है कि रिस अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, जब वो आकर उसे देखेगा तो शॉक होगा, वो उसके लाइफ में आगे बढ़ गई है। हमें दिखाती है कि एलिस का बेबी अब 7 मंथ का हो गया है। पानिन सिरी को डेट कर रहा है चाहे उसमें उसकी खुशी हो या ना हो, और सिरी और पोखाई इन दोनों का अलग ही कारनामे चल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस और पिनियो अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं। पानिन अब भी एलिस और पिनियो के बारे में सोचता है, उन्हें मिस करता है। पानिन पोखाई की माँ को बताता है कि यो अब उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी वाइफ है और वो जल्दी ही फादर बनने वाला है। ये सुन वो शॉक होती है क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता होता। पानिन पिनियो के लिए परेशान होता है क्योंकि उसे पता है कि यो के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वो एलिस और उसके बच्चे का ठीक से ख्याल रख पाएगा। वो उन तीनों को निराफाई में वापस लाना चाहता है। उसके डैड को ये सब नहीं पता होता। बाद में पानिन पिनियो की हेल्प करने के लिए उसे कुछ चेक्स पैसे देता है, लेकिन यो उसे लेने से साफ मना कर देता है। बोलता है वो खुद का ख्याल खुद रखेगा, लेकिन पिनियो बोलता है वो उसके लिए नहीं, उसके होने वाले नेफ्यू या नीस के लिए है, उसे ये रखने ही होंगे। उसे पता है कि वो उसके बलबूते पर जी सकता है, उसने उसे प्रूफ कर दिया है, उसे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है।